कांगड़ा लोकसभा सीट है बीजेपी का अजय दुर्ग। क्या कांग्रेस इस बार बिछा पाएगी बिसात? क्या बीजेपी को कर पाएगी चारों खाने चित? कांग्रेस ने कांगड़ा से मैदान में उतारे हैं आनंद शर्मा, लेकिन लीड का दारोमदार विधायकों और मंत्रियों पर। सामने आए आनंद को टिकट देने के तीन बड़े कारण, क्या इन सब के बाद बन पाएगी बात? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर। मैं हूं आपके साथ पिंकिश धीमान। आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा लोकसभा सीट की। कांगड़ा सीट भाजपा का अजय दुर्ग बनी हुई है। यहां कांग्रेस ने आखिरी चुनाव 2004 में जीता था, उसके बाद लगातार तीन बार हारती रही है। अब ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी के दुर्ग को भेदने की तैयारी में अपने बड़े नेता आनंद शर्मा को रण में उतारा है। हालांकि उनका यह प्रयोग इस लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है, ये तो 4 जून का दिन बताएगा। पर कांगड़ा से चुनाव भले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा लड़े, लेकिन कसौटी पर खरा उतरने की जिम्मेदारी यहां के मंत्रियों और विधायकों की है। कैसे बताते हैं आपको। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से विधानसभा में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है। क्षेत्र में 17 में से 11 सीटें कांग्रेस के पास है। सुधीर शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं तो एक सीट खाली हुई है। अब 10 विधायक कांग्रेस के पास हैं। इन विधायकों में से 8 को सुखू सरकार ने कैबिनेट रैंक समेत बड़े ओहदे दे रखे हैं, जिसमें कांगड़ा के जवाली से चंद्र कुमार और जयसिंहपुर से यादवेंद्र गोमा सरकार में मंत्री हैं। चंबा के भटियाल से कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष हैं। पालमपुर से आशीष बुटेल और वैजनाथ से किशोरी लाल मुख्य संसदीय सचिव हैं। नगरोटा बगवा से रघुवीर सिंह यानी पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष हैं। अब आनंद को जिताने की जिम्मेदारी इन सभी पर डाली जा रही है। अब देखना होगा कि ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में कितना माहौल बनाकर प्रत्याशियों को जिता पाते हैं। चलिए आपको बताते हैं, केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा हैं कौन आखिर। 5 जनवरी 1993 को शिमला में इनका जन्म हुआ। 23 फरवरी 1987 को डॉक्टर जेनोबिया से शादी की हुई। NSUI के संस्थापक सदस्य हैं। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता भी रह चुके हैं। 2004 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2006 से 2009 तक विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। 2009 से 2014 तक केंद्रीय वाणिज्य उद्योग में रहे हैं। जुलाई 2010 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2016 में हिमाचल से तीसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इनको टिकट देने के तीन कारण हैं, वो कौन से हैं वो बताते हैं। पहला है जातीय समीकरण। भाजपा के ब्राह्मण उम्मीदवार राजीव भारद्वाज के सामने उसी समुदाय का प्रत्याशी खड़ा कर दिया गया है, यानी आनंद शर्मा और राजीव भारद्वाज दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं। ऐसे में कांगड़ा का चुनाव दो ब्राह्मणों के बीच का भी है, ये भी दिलचस्प बात है। टिकट देने का दूसरा कारण है एकजुटता। कद्दावर नेता को टिकट देकर कांग्रेस के सभी धड़ों को एक साथ करने के लिए मजबूर किया है। तीसरा कारण है विरोध नहीं हो पाएगा। केंद्रीय राजनीति करते रहे हैं आनंद शर्मा, तो उनके खिलाफ विपक्ष के पास भी खास कुछ बोलने को नहीं है। विपक्ष भी इनको लेकर आक्रामक नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू और आनंद की सियासी जुगलबंदी रही है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की सियासी जुगलबंदी काफी पुरानी है। दोनों नेता छात्र राजनीति से कांग्रेस के उच्च पदों तक पहुंचे हैं। केंद्र की राजनीति में रहते हुए आनंद के सहयोग से सुक्खू ने राज्य के संगठन में तरक्की की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र से भी दोनों नेताओं के विचार
कम मिलते थे। ये भी एक बड़ा कारण था जिसके चलते आनंद और सुक्खू के राजनीतिक संबंध मधुर ही रहे। अब सुक्खू मुख्यमंत्री हैं और आनंद पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इनकी जुगलबंदी इस लोकसभा चुनाव के लिए कितनी कारगर साबित हो पाती है। इतने समय तक मंथन के बाद कांग्रेस में आनंद शर्मा को मैदान में उतारा है, तो उसका कितना फायदा हिमाचल कांग्रेस को होगा, ये देखने वाली बात होगी। उसके लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा।